Good morning, everyone. Now we have moved our next chapter, uses of a keyboard. क्या पढ़ेंगे आज हम? Uses of a keyboard. But do you remember? We have read about it. In the previous chapter, right? Now we have learned more about the keyboard. Okay? Keyboard. There are many small keys on the keyboard. इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे buttons होते हैं जिसको हम keys बोलते हैं और उन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? Keyboard. You can type alphabet, numbers and symbols by pressing these keys. आप इन keys को press करने से कुछ भी character आप उस पर display करवा सकते हो. अगर आप alphabet keys को press करोगे तो आपके alphabets आपके monitor पर show होंगे. Number press करोगे तो number show होंगे. तो जो भी whatever you press a key, the same character is typed and display on the monitor. आप कुछ भी टाइप करोगे आपके मॉनिटर पर वो आपको डिस्प्ले होगा. ओके जैसे कि वी यूज अ पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर. आपको पता है आपको कुछ भी पेपर पे लिखना है तो उसके लिए आपको पेंसिल की नीड होगी. तो इन द सेम वे यू नीड अ कीबोर्ड टू राइट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इसी तरीके से आपको मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करवाने से पहले आपको कीबोर्ड पर कुछ भी बटन प्रेस करना पड़ेगा. आप अल्फाबेट सिंबल्स बटन्स कुछ भी प्रेस करते हो तो आपके मॉनिटर पर दिखेंगे. तो वो हमारा किसका वर्क करता है? पेंसिल का. जब भी हमें कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर शो करवाना होता है तो हमें उसके लिए कीबोर्ड पर प्रेस करना पड़ेगा, देन वो जाकर शो होगा. तो जिस तरीके से हमें पेपर पर लिखने के लिए पेंसिल की नीड पड़ती है, सेम उसी तरीके से हमें मॉनिटर पर लिखने के लिए कीबोर्ड की नीड पड़ती है. ओके नेक्स्ट कीज ऑन द कीबोर्ड. ए कीबोर्ड consistence of 101 to 104 keys. इसमें लगभग 101 से लेके 104 तक की keys होती हैं, जो कि तीन part में divide होती हैं. These keys are divided into three parts. First alphabet keys, जो कि होती हैं A to Z. ये आपके letters भी होते हैं ना, ये जब आप लोग पढ़ते हो अपनी books में तो ये 26 alphabets होते हैं. ओके इन keys को बोलते हैं alphabet keys. Second number keys आपके 1, 2, 3 ये होते हैं, और ये total keys होती हैं 10. 1 to 9 plus 0 included करके ये होते हैं 10 keys. ओके थर्ड होती है स्पेशल कीज. स्पेशल कीज में आपकी कीज आती है एंटर की, स्पेस बार की, डिलीट की और बैकस्पेस की. ओके दीज कीज आर स्पेशल कीज. लेट्स लर्न अबाउट द कीज ऑन द कीबोर्ड. अब हम कीज के बारे में पढ़ते हैं. अल्फाबेट कीज. अल्फाबेट को हम लेटर भी बोलते हैं ना, तो लेटर कीज भी बोल सकते हैं. द कीज ऑन विच ए टू जेड लेटर्स आर रिटन आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज. जब आप कोई भी लेटर प्रेस करते हो और मॉनिटर पर डिस्प्ले करते हो, लिखते हो ए टू जेड में, तो उनको अल्फाबेट कीज बोलते हैं. देयर आर 26 अल्फाबेट कीज. ये 26 होते हैं और दे आर यूज टू टाइप वर्ड एंड सेंटेंसेस. आप इसकी मदद से, इसकी हेल्प से वर्ड्स टाइप कर सकते हो, लेटर्स टाइप कर सकते हो, सेंटेंसेस टाइप कर सकते हो. जैसे आई एम अ गुड बॉय, है ना, ये आप पूरा का पूरा सेंटेंस
अल्फाबेट की इसकी मदद से टाइप कर सकते हो। अगर आपको प्रेस करना है ए, ओनली ए, तो भी आप अल्फाबेट कीज का यूज करोगे। अगर आपको वर्ड टाइप करना है, जैसे अपना ही नेम टाइप करना है, तो आप अल्फाबेट की मदद से इसको टाइप करोगे। ओके, द अल्फाबेट कीज आर यूज टू टाइप बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। आप अल्फाबेट की मदद से ही कैपिटल और स्मॉल लेटर, दोनों लेटर्स टाइप कर सकते हो। ओके, और वो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें कैपिटल लेटर टाइप करना है तो कैसे करेंगे, स्मॉल करना है तो कैसे करेंगे, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। नंबर कीज, द कीज हैविंग नंबर्स 0 to 9 ऑन देम आर कॉल्ड नंबर कीज। ओके, जब 0 to 9 कीज होती हैं उनको हम कहते हैं नंबर कीज। नंबर कीज हेल्प यू टू टाइप नंबर। आप इनकी मदद से कोई सा भी नंबर टाइप कर सकते हो। आप अपना फोन नंबर टाइप कर सकते हो, आपके घर के एड्रेस में अगर कोई नंबर है तो आप नंबर की से टाइप कर सकते हो, है ना। आपको कोई सा भी नंबर टाइप करना है तो आप नंबर की हेल्प लोगे। दे आर एट टू प्लेस ऑन द कीबोर्ड इज मेंशनड। आप देखो, आपको ये बात शायद पता नहीं है, कीबोर्ड में दो नंबर कीज होती हैं, दो जगह नंबर कीज को शो किया गया है। एक तो टॉप ऑफ द अल्फाबेट, जहां अल्फाबेट कीज होती हैं वहां उसके ऊपर नंबर कीज आपको शो करते हैं, मतलब वहां नंबर कीज होती हैं, और सेकंड ऑन द राइट साइड ऑन द कीबोर्ड। राइट साइड में न्यूमेरिकल पैड आपको दिया गया होता है, वो भी नंबर कीज होता है ना, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया गया है। जो साइड में, राइट साइड में है, वो आपके अल्फाबेट कीज के साइड में ही होता है, राइट साइड में। और जो ऊपर साइड में दिया हुआ है लाइन में, वो आपके अल्फाबेट कीज के ऊपर ही होता है। ओके, स्पेशल की क्या होते हैं, दे आर सम स्पेशल कीज ऑन द कीबोर्ड, वी डू इम्पोर्टेंट टास्क विद देम। आप इसके थ्रू बहुत सारे स्पेशल टास्क कर सकते हो, जो कि अभी बताती हूँ कैसे कैसे होते हैं। और इन कीज को जो मैं बताऊंगी वो स्पेशल कीज होती हैं। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। स्पेस बार की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड के अंदर, सबसे लंबी की जो दिखेगी वही हमारी है स्पेस बार की। कीबोर्ड में एक ही की होती है जो बहुत लॉन्ग होती है, और ये नीचे की साइड बनी होती है, ठीक है। इट इज यूज टू गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड वर्ड्स। आप स्पेस बार की का यूज कर सकते हो जब आपको दो लेटर, दो वर्ड या दो सेंटेंस के बीच में स्पेस देना हो। ओके, दिस की इज अ स्पेशल की। एंटर की, वी यूज द एंटर की टू मूव द नेक्स्ट लाइन। एंटर की का यूज होता है जब आपको कोई लाइन लिखनी हो और उसके नेक्स्ट लाइन में जाना हो, तो हम एंटर की का प्रेस करते हैं। जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम 6 ईयर ओल्ड, तो पहली लाइन में आपको लिखना है आई एम अ गुड बॉय, तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे, देन लिखेंगे आई एम अ 6 ईयर ओल्ड। ओके, दिस की इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की, ठीक है। इसको हम रिटर्न की भी बोल सकते हैं। देयर आर टू एंटर की ऑन द कीबोर्ड। ये की भी दो होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल पैड के बराबर में और एक आपको न्यूमेरिकल पैड के लेफ्ट साइड मिलेगी। ओके, बैक स्पेस की, वी यूज द बैक स्पेस की टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप कैरेक्टर टू द लेफ्ट। देखो, हमारे पास दो कीज अवेलेबल होती हैं कीबोर्ड में, एक तो होती है बैक स्पेस की, एक होती है डिलीट की, ठीक है। अलग अलग नाम है बट दोनों का काम एक ही होता है, पर थोड़ा डिफरेंट होता है। आप बैक स्पेस और डिलीट दोनों कीज की मदद से अपना लिखा हुआ वर्ड डिलीट कर सकते हो, बट एक कंडीशन होती है, वी हैव यूज द बैक स्पेस की टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप कैरेक्टर इन द लेफ्ट, कैरेक्टर टू द लेफ्ट। अगर आप कोई भी चीज आपने गलत लिखी है लेफ्ट साइड पर, तो आप बैक स्पेस की का यूज करोगे लेफ्ट साइड की
अपनी रॉन्ग वर्ड या रॉन्ग सेंटेंस को डिलीट करने के लिए। ओके, और डिलीट की का यूज होता है जब जब आप अपने राइट साइड कोई वर्ड गलत लिखा हो और उसको डिलीट करना हो। वी यूज द डिलीट की टू रेज व्हाट वी हैव टाइप कैरेक्टर टू द राइट। जब आपने कोई भी कैरेक्टर सेंटेंस राइट साइड में रॉन्ग लिखा है तो आप डिलीट की का यूज करोगे। ओके, वट इज द कर्सर? कर्सर क्या होता है? ए कर्सर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, जैसे कि आपको बॉक्स में दिखाया हुआ है, सिर्फ एक डंडा टाइप होता है कर्सर, लाइन टाइप ऑन द स्क्रीन। अब मैंने नीचे एक इमेज दी हुई है जहां गूगल लिखा है, उसकी जस्ट नीचे बॉक्स के अंदर एक लाइन है ना सीधी, वो कर्सर है। इट इज शो द प्लेस वेयर द टाइप लेटर ऑन अ नंबर विल अपियर। आपको जहां लिखना है ना वहां अगर आप अपने माउस से क्लिक करोगे तो वो कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ शो होगा, उसको बोलते हैं कर्सर। वो लाइन आपको जब ब्लिंक करती हुई शो होगी तो वो है कर्सर। नेक्स्ट, कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर की आर मार्क्ड विद एरो। आप इसको एरोज की मदद से भी मार्क कर सकते हैं। जैसे देखिए, दे आर फोर कीज ऑन द कीबोर्ड, दीज कीज अलाउ अस टू मूव कर्सर अप डाउन लेफ्ट राइट। आपको कर्सर को जहां भी मूव करना हो आप एरो की मदद से उसको शो करवा सकते हो। कैसे कि टू मूव अ कर्सर अप बाय वन लाइन, आपको ऊपर की एक लाइन में कर्सर को मूव करना है। आपने दो चार सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में कर्सर को लेके जाना है, तो आप कर्सर को ऊपर वाले एरो वाले साइड से आप उसको मूव करोगे। ओके, जब आपको उसको लेफ्ट साइड करना हो तो लेफ्ट वाले एरो की साइड से मूव करना चाहिए, और राइट साइड करना है तो राइट साइड वाले से, डाउन करना है तो डाउन वाले से। तो ये चार की मदद से आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हो। जहां आपको लेके जाना है आप इन कीज के थ्रू अपने कर्सर को मूव करवा सकते हो। ओके, तो ये वाली कीज होती है एरो की। थैंक यू, नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय एंड अगेन से बाय बाय।